हमने पहले ही दिखाया था कि कैसे चीनी एप्स को लेकर दुनिया के कई ताकतवर देश भारत के दिखाए रास्ते पर चल पड़े हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बात कही है उसने चीन की नींद उड़ा दी है। वैसे तो चीन बहुत चालाक बनता है लेकिन इस बार उसकी कोई चालाकी उसके काम नहीं आ रही। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को बैन करने का फैसला सुना दिया है। ट्रंप ने कहा है कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ 24 घंटे में अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी जाएगी। इससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में टिकटॉक बैन करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने बताया था कि अमेरिका में भी टिकटॉक पर बैन लगाया जा सकता है। ट्रंप ने कहा था, हमारा प्रशासन भी टिकटॉक पर एक्शन लेने के लिए इसका मूल्यांकन कर रहा है। एक प्रचलित चीनी वीडियो ऐप अब राष्ट्रीय सुरक्षा और सेंसरशिप के मुद्दे का एक स्रोत बन गई है। ट्रंप का बयान उन रिपोर्ट्स के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि ByteDance टिकटॉक को बेच सकता है और कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से इस बारे में बात भी कर रही है। ट्रंप ने रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा है कि हम टिकटॉक को देख रहे हैं, हम इसे बैन भी कर सकते हैं, हम कुछ और भी कर सकते हैं, हमारे पास कई दूसरे विकल्प हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, इसलिए हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। दरअसल शॉर्ट वीडियो एंटरटेनमेंट ऐप टिकटॉक को लेकर दुनिया भर में सवाल हो रहे हैं। भारत ने तो डेटा सुरक्षा के नियमों का हवाला देते हुए टिकटॉक को बैन कर ही दिया है, साथ ही दूसरी चीनी ऐप्स पर भी कैची चलाई है। वहीं कई विदेशी मीडिया न्यूज एजेंसी की खबरों के मुताबिक जल्द ही ByteDance खुद को टिकटॉक से अलग होने के बारे में भी घोषणा कर सकता है। अमेरिका की कई बड़ी टेक कंपनी और फाइनेंशियल फर्म की टिकटॉक के खरीदने की खबरें आई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और फॉक्स न्यूज के सूत्रों का हवाला देते हुए बताया गया था कि माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को खरीद सकता है और कंपनी इस बाबत बातचीत भी कर रही है। ByteDance ने 2017 में टिकटॉक ऐप को लॉन्च किया था। कंपनी पर कई बार यूजर्स का डेटा चीनी अधिकारियों के साथ शेयर करने का आरोप लग चुका है लेकिन टिकटॉक इसे खारिज करता रहा है। ऐसे में अमेरिका का टिकटॉक पर स्ट्राइक करना ये साफ बताता है कि अमेरिका ने अपना मन बना लिया है और वो अब अपने कदम पीछे नहीं खींचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।